नमस्कार दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार आप सबके स्वागत करते हैं सीमान हेल्थ टिप्स में। आज हम बताने जा रहे हैं एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है इम्लोकाइंड 80। देखिए इसका नाम है इम्लोकाइंड 80 और इसको हम फुल डिटेल बताएंगे कितना MMRP है, कौन कंपनी में आती है और किस चीज़ में इसको ज़्यादा उपयोग किया जाता है और कैसे आप इसको उपयोग कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर इसका नाम देख लीजिए, लिखा है इम्लोकाइंड 80 यहाँ पर लिखा है और देखिए यहाँ पर लिखा गया है मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। देखिए मैनकाइंड आप जानते होंगे, देखिए इसका रिलेटेड बनाया गया है इम्लोकाइंड। मैनकाइंड बहुत सारा दवाई बनाती है मेडिकल लाइन में और जो कि अपना नाम से रिलेटेड बनाती है, इसलिए आप नाम से भी जान सकते हैं इम्लोकाइंड कोई बोल रहा है तो आप जान लीजिए मैनकाइंड कंपनी का वो प्रोडक्ट होगा। देखिए अपने नाम से रिलेटेड बनाती है और एक इंडियन कंपनी है फार्मास्यूटिकल में जो जानी मानी कंपनी है। देखते हैं इसका MRP। देखिए इसका MRP है 25.58 रुपये 10 टैबलेट का और इसको हम देखते हैं कॉम्पोजिशन कौन कौन कितना डाला। देखिए इसमें दो कॉम्पोजिशन जो मेन डाला गया है वो डाला गया है, पहला कॉम्पोजिशन है एम्लोडिपाइन और दूसरा कॉम्पोजिशन है एथनोलोल डाला गया है दूसरा कॉम्पोजिशन। नाम दोबारा सुन लीजिए कॉम्पोजिशन के, एम्लोडिपाइन एंड एथनोलोल दोनों कॉम्पोजिशन डाला गया है। देखते हैं कौन कॉम्पोजिशन कितना डाला गया है। देख ले एम्लोडिपाइन डाला गया है 5 mg और एथनोलोल डाला गया है 50 mg। देखिए पहला कंपोजिशन जो डाला गया है वो कम डाला गया है और दूसरा कंपोजिशन जो डाला गया है वो ज़्यादा डाला गया है। पहला कंपोजिशन डाला गया है एम्लोडिपाइन डाला गया है 5 mg और एथनोलोल डाला गया है 50 mg। देखिए दोनों कंपोजिशन इस में दवा में डाला गया है और इस दवा का आप देखिए किस किस चीज़ में आप उपयोग कर सकते हैं। पहला कि जैसे कि आपका BP हाई होगा चाहे लो होगा, आप जानते हैं 120 खाने के बाद BP होना चाहिए खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले 90 होना चाहिए, इतना नॉर्मल माना जाता है ना। और 130-140 होता है तो अब इसको आप खा सकते हैं और 90 से नीचे होता है 80 तो अब इसको आप खा सकते हैं। और आपका एज होना चाहिए 22 से ऊपर होना ना, देखिए 22 ना 12 से 13 से ऊपर होना चाहिए एज। और एक सिक्योर दवाई है जो कि बिना डॉक्टर सलाह लिए दवा आप नहीं खा सकते हैं, काहे कि यह एक BP के मामले में बहुत सारे रक्त जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उस समय, जैसे उसी कहते हैं BP ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तभी, जैसे आप पूरा दम फूला है तब भी आप यह खा सकते हैं। अब BP हाई लो हो रहा है तो आप चीनी भी घोर कर पी सकते हैं, दवाई नहीं खा सकते बिना डॉक्टर से पूछे। और वो समय देखिए आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तब भी इस दवाई को आप उपयोग कर सकते हैं। दवाई को और जानकारी लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाकर और इसको आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस दवाई के बारे में इम्लोकाइनेटिक के बारे में जो कि उस पर डॉक्टर के सलाह के अनुसार उस पर लिखा गया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।